डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ओके एज इन पॉलिटेक्निक। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में एज ए बीएमएस एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। तो आप अभी घर से काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस? मोर देन वन ईयर मेरे को करते हुए हो गया। हम एक्सेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो 18K पर मंथ आपको मिल सकता है, मतलब या आप कंपनी के जो साइट है उस पर आप लॉग इन करके पता कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे ओपनिंग है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल jobnow247.com पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जो कि रिलेटेड हो ITI से या रिलेटेड हो पॉलिटेक्निक से। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर के आई हूँ एक ऐसे पर्सन का जिन्होंने पॉलिटेक्निक की है और पॉलिटेक्निक की लाइन में अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी के साथ बनाया है। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे सारी डिटेल कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए रहती है, क्या क्या स्टार्टिंग सैलरी होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीजें जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल jobnow247.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो भैया, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैम, मेरा नाम सचिन है। सचिन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ओके एज इन पॉलिटेक्निक। तो अभी आप किस फील्ड में काम करते हैं? अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में एज ए बीएमएस एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। बीएमएस एग्जीक्यूटिव ओके। इसका काम क्या होता है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मतलब है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ओके, जो कि मैम बिल्डिंग प्रिमाइज में जैसे कि हमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, फायर सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, इन सबको मैनेज, मॉनिटर और कंट्रोल करना होता है। मतलब जो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसमें जो सीसीटीवी कैमराज रहते हैं, मॉनिटर्स वगैरह रहते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी रहते हैं, उनको आप देखते हो कि वो सारे ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, ठीक से चल रहे हैं या नहीं, है ना? और लगाते भी हैं क्या नए? नहीं मैम, अगर हमें कोई ऐसा दिक्कत आती है तो हम उसकी कंप्लेन लॉक करते हैं। अच्छा। तो उसका जो वेंडर है वो आके उसको रिपेयर करता है या फिर उसको रेक्टिफाई जो भी करता है। ओके, तो आप अभी घर से काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस जाते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ। इसमें हम नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको प्रीमाइज में रहना पड़ेगा। okay. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको। okay. तो आप अभी आपकी जो पोस्ट है ये क्या पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर? मैम, पोस्ट है जैसे कि बीएमएस एग्जीक्यूटिव, फिर उसमें हमारा जो है सीनियर बीएमएस एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि एज ए टीम लीड काम करते हैं हमारे। ओके, तो हम उनके अंडर आते हैं। ओके, तो कितना साल हो गया काम करते? मोर देन वन ईयर मेरे को करते हुए हो गया। मोर देन वन ईयर ओके। आपने पॉलिटेक्निक पहले तो किस सब्जेक्ट से की है? मैम, मैंने इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी ओके। जैसे कई सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, खासकर कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक की है इलेक्ट्रिकल लाइन से, तो आपकी नज़र में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आज के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में? मैम, जॉब अपने तो जैसे कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप प्राइवेट सेक्टर में या तो आप किसी बिल्डिंग में मतलब जूनियर इंजीनियर के तौर पर जा सकते हैं, टेक्नीशियन हो गया, या आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज ए जॉब कर सकते हैं। okay. और मैम और भी जैसे कि पहले तो आपको मतलब छोटे पोस्ट मिलेंगे, ऐसा तो है ना कि शुरू में मतलब सीनियर पोस्ट आपको मिल जाएगी। एक्सपीरियंस मैटर करता है उसमें। अगर जैसे किसी ने पॉलिटेक्निक कर ली लेकिन उसे ज़्यादा कोई काम नहीं आता तो वो कैसे स्टार्ट करे? मैम, उसके लिए तो पहले उसको सिखाया जाएगा, पहले तो मतलब फ्रेशर एज ए फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा। तो उसको पहले उन्होंने ट्रेन किया जाएगा, पहले उसको मतलब इंटर्नशिप जैसे। इंटर्नशिप, यस मैम। और इंटर्नशिप में पैसे वगैरह देते हैं वो लोग? हाँ मैम, वो डिपेंड करता है कि वो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप किस इंडस्ट्री में जाते हैं। अच्छा। बट मोस्टली आपको इंटर्नशिप मतलब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग करने का मिलता है आपको। ओके। तो अभी आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं इसका नाम क्या है? हम एक्सेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि स्टार्टिंग पैकेज क्या होता होगा इसमें? मैम, स्टार्टिंग तो मैं ऐसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पे था, थर्ड पार्टी रोल पे था, तो हमें तो कंपनी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हमें उनके थ्रू रखा गया है। ओके, है ना? ओके, ओके। तो हमें तो स्टार्टिंग पैकेज 18K पर मंथ आपको मिल सकता है, मतलब 18 इतना डिपेंड भी करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस मतलब 18,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, पीएफ वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। मैम, इंक्लूड करके आपको 18,000 मिलेगा, 18 के यहाँ पर। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो ग्रोथ करती है? हाँ मैम, ओके मैम, ये हाँ इसमें ग्रोथ हो सकता है मैम, बिल्कुल। आप आगे सर्विस इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब बीएमएस एग्जीक्यूटिव है तो अगर आप टाइम देंगे उनको, अगर आप चीज़ों को और आगे तक टाइम देंगे तो आप सर्विस इंजीनियर हो सकता है,
या आप आगे सीनियर इंजीनियर में मतलब आप ग्रोथ कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम पर अगर किसी को इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता कैसे चलेगा, जैसे न्यूज़पेपर में सर्च करे, ऑनलाइन सर्च करे, क्या जरिया है सर्च करने आज की का? आज के जमाने में तो हम यही तरीका है कि आप ज़्यादातर अगर आप उससे पता कर पाएँ ऑनलाइन थ्रू, किसी के वेब पोर्टल के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू, या आप कंपनी के जो साइट है उस पर आप लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे ओपनिंग है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है। या फिर मैम आपको मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन इंटरनेट से पता आपको चल पाएगा, इंटरनल मतलब रेफरेंसेस भी काम करते हैं इसमें, और ऑनलाइन वेब पोर्टल्स पे भी, वेबसाइट पे भी आप जा करके पता चल सकते हैं। ओके, तो भैया आपने काफ़ी सारी जानकारी दी कि अगर कोई एज इन पॉलिटेक्निक अपना करियर, आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटेक्निक अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सारी पोस्ट अवेलेबल है। वो एज एन इलेक्ट्रीशियन लग सकता है और एज एन जो है जिस टेक्नीशियन लग सकता है, टेक्नीशियन काम कर सकता है, सुपरवाइजर में इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं वो लग सकता है। हाँ, ऐसे मतलब हमारा कहने का मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, क्योंकि काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर सेक्टर में इन लाइन्स की जरूरत होती ही होती है। तो आई होप गाइस आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए रहती है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हर एक लेवल के इंटरव्यूज लेकर के आती हूँ, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है, जॉब वैकेंसी अगर आप सर्च कर रहे हैं या किसी बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं, सारी चीजों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल jobnow247.com को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।